नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने कैंप वन बैकुंठ धाम स्थित SRRM सेंटर का औचक निरीक्षण किया। आयुक्त ने सेंटर में मौजूद कर्मचारियों से व्यवस्थाओं को लेकर जानकारियां ले खाद्य भंडारण को देखा और कार्य में तेजी लाने निर्देश दिए। घरों से निकले सूखे और गीले कचरे को पृथक कर नगर निगम द्वारा अपने विभिन्न SRRM सेंटरों में खाद का निर्माण किया जाता है। खाद की गुणवत्ता के मद्देनजर निगम द्वारा बनाई खाद की डिमांड दुर्ग जिले के अलावा अन्य जिलों में भी बराबर बनी हुई है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा बैकुंठ धाम स्थित SRRM सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने व्यवस्थाओं को लेकर कर्मचारियों से जानकारी ली, सूखे कचरे के बाबत पूछताछ की, साथ ही खाद के भंडारण को देखा। सूखे कचरे में मिट्टी और गोबर पाए जाने से आयुक्त ने कर्मचारियों से पूछताछ की और व्यवस्थाओं में और भी सुधार लाने निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने दी। नगर निगम भिलाई में लगभग 6 हमारे इसी तरह सेंटर है, जहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन जो कचरा होता है उसका सेपरेट करके सूखा और गीला कचरा अलग करते हैं। जो गीला कचरा रहता है सब्जी भाजी वगैरह का, उसको हम लोग खाद कंपोस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। बाकी जो सूखा कचरा रहता है उसको अदर यूज़ करके महिला लोग उससे SHG के माध्यम से अपना इनकम जनरेट करते हैं। हाँ, यहाँ पर जो आजू बाजू रहते हैं उन लोग का डिमांड आता है, उस हिसाब से हम लोग खाद बोरिंग पैक भी किए हैं, उठाव भी करते हैं लगातार। जैसे एजेंसी के माध्यम से मांग आती है तो सप्लाई भी कर देते हैं, कुछ हम लोग निगम गार्डन में भी यूज़ करते हैं खाद का। गौरतलब है कि नगर निगम क्षेत्र में 6 SLRM सेंटर संचालित हैं, जहां सूखे और गीले कचरे को पृथक कर अलग अलग उपयोग किया जाता है। इस कार्य के शुरू होने से विभिन्न समूहों की महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।